हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। मैं सोनाली, ठीक है, आपकी इम्पोर्टेंट क्लास लेती हूँ। तो मैं आज आपको पढ़ाऊँगी भारत की जो मुख्य नदियाँ हैं, मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं उनके बारे में आपको बताऊँगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और शेयर कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि अक्सर भारत की नदियों के बारे में हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में होती है तथा भारत में ही विलय हो जाती है। मतलब पूछा गया है हमसे कि कौन सी नदी का उद्गम भारत में होता है और उसके साथ साथ क्या होता है कि वो भारत में ही विलय हो जाती है, मतलब भारत में ही मिल जाती है और भारत से ही शुरू होती है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी है सिंधु, ऑप्शन नंबर सी है कोसी और ऑप्शन नंबर डी है चंबल। ठीक है, तो मैं आपको अगर इसका क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो भारत में उद्गम होने वाली और भारत में विलीन होने वाली जो नदी है वो सिर्फ एक चंबल है। ठीक है, कौन सी नदी है? चंबल नदी है। अब मैं आपको चंबल नदी के बारे में बताऊँगी, तो इस चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1024। ठीक है, कितनी लंबाई है चंबल नदी की? 1024। ठीक है, अब हम चंबल नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है चंबल नदी? तो यह है यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, यह नदी जाना पाव पर्वत महू से निकलती है। कहाँ से निकलती है यह नदी? तो यह नदी जाना पाव जो कहाँ पर है? जाना पाव पर्वत, वहाँ पर महू से निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी। ठीक है, हम आगे देखेंगे, चंबल कावेरी यमुना सिंधु पहुँच, जो सिंधु है पहुँच है भरे के पचनंदा में। कहाँ पर? पचनंदा में, उत्तर प्रदेश में भिंड और इटावा जिले की सीमा पर शामिल पांच नदियों के संगम में समाप्त होता है। अब ये कहाँ पे ख़त्म होती है? तो यह उत्तर प्रदेश का जो राज्य है भिंड, ठीक है, भिंड कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो यह कहाँ पर, यह जो पांच नदियों का संगम है कहाँ पर है? पाँच नदियों का संगम उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में भिंड और इटावा जिले की सीमा पर शामिल पांच नदियों के संगम में समाप्त होती है, इसलिए डी सही विकल्प है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में होती तथा भारत में विलय हो जाती है। ठीक है, तो सिर्फ एक चंबल नदी ही ऐसी है जो भारत में शुरू होती है और भारत में ही खत्म हो जाती है। कहाँ पर है चंबल नदी? तो यह मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, दक्षिण गंगा के? ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर पहला है आपका कृष्ण, ऑप्शन नंबर दूसरा है महानदी, ऑप्शन नंबर तीसरा है गोदावरी और ऑप्शन नंबर डी है आपका कावेरी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। ठीक है, अब गोदावरी की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर। ठीक है, गोदावरी नदी इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। आगे देखेंगे, दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। कहाँ की नदी है गोदावरी? तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। अब देखो, क्वेश्चन यही पूछा कि प्रायद्वीपीय में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी ही है। देखो, दो क्वेश्चन हो गए आपके कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। एक क्वेश्चन क्या हो गया कि दक्षिण भारत की नदी कौन सी है प्रमुख? तो गोदावरी है। इसके साथ साथ क्या हो गया कि प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अब इस नदी को गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, किस नदी को? गोदावरी नदी को। आगे देखेंगे, इस नदी की उत्पत्ति पश्चिम दक्षिण घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। कहाँ से हुई है इस नदी की? गोदावरी नदी
दक्षिण घाट के श्रयंबक पहाड़ी से हुई है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, इंदिरा गांधी बांध के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका यमुना, ऑप्शन नंबर बी है चंबल, ऑप्शन नंबर सी है नर्मदा और ऑप्शन नंबर डी है कृष्ण। ठीक है, तो हम इंदिरा सागर बांध के बारे में पढ़ेंगे। तो इंदिरा सागर बांध है, यह मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में नर्मदा नगर स्थान पर निर्मित बांध है। कहाँ बनाया गया है यह, मध्य प्रदेश में कहाँ पर, नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर तो बनाया गया है, मगर नर्मदा नदी में किस जगह बनाया गया है, तो खंडवा जिले में नर्मदा नगर स्थान पर निर्मित यह बांध है। ठीक है, कौन सी नदी पर है, तो यह नर्मदा नदी पर। अब नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, तो 1312 ठीक है किलोमीटर, याद रखिएगा 1312 किलोमीटर नर्मदा की लंबाई है। एक बार रिपीट करते हैं, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर स्थित है। अब नर्मदा नदी पर है तो पर कहाँ पर है, कौन से जिले में है, तो खंडवा जिले में नर्मदा नगर स्थान पर निर्मित बांध है। ठीक है, कहाँ पर, खंडवा जिले में जो नर्मदा नगर स्थान है वहाँ पर क्या यह बांध निर्मित है, कौन सा, इंदिरा सागर बांध। ठीक है, अब देखते हैं कब निर्मित किया गया, तो यह 23 अक्टूबर 1984 में भारत की तत्कालीन, देखो कब किया गया था यह, 23 अक्टूबर ठीक है, 23 अक्टूबर में किया था 1984 में। ठीक है, 23 अक्टूबर 1984 में भारत की तात्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी, उस समय भारत की तात्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी थी, तो उन्हीं के नाम पे क्या किया था, इस बांध का नाम रखा गया था, क्योंकि उस समय इसका निर्माण उन्हीं के द्वारा किया गया था, इंदिरा गांधी सागर, मतलब इंदिरा गांधी के द्वारा, तो इस बांध का नाम इंदिरा सागर बांध रख दिया गया था। ठीक है, तो कब रखा गया था, 23 अक्टूबर 1984 में भारत की तात्कालीन प्रधानमंत्री जो कि इंदिरा गांधी ने रखी थी। ठीक है, इसीलिए सी विकल्प आपका सही है। कौन सा सही हो जाएगा आपका, विकल्प सी, कि नर्मदा नदी में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। कर्नाटक में स्थित कृष्ण राज सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, कृष्ण राज सागर बांध के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका पहला है कावेरी, ऑप्शन नंबर दूसरा है आपका बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी है कृष्ण, ऑप्शन नंबर डी है महानदी। ठीक है, तो जो कृष्ण राज बांध है ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर है कृष्ण राज बांध कहाँ पर स्थित है, तो यह कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी योजना का कार्य व निर्माण एवं विश्व शेरिया ने 1932 में शुरू किया था। कब शुरू किया किया गया था, तो 1932 में। ठीक है, आगे देखेंगे, इस बांध से कावेरी, हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ नदी आपस में मिलती है। कौन कौन सी, सबसे पहले तो कावेरी आएगी। ठीक है, मतलब सबसे पहले कावेरी, फिर हेमावती और फिर लक्ष्मण तीर्थ नदियाँ आपस में मिलती है, इसलिए। ठीक है, हो गया। तो अब क्या हमसे पूछा गया, अब कावेरी नदी के बारे में, कावेरी नदी का नाम सबसे पहले आया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कावेरी, मतलब कि इस बांध में कावेरी नदी सबसे मतलब पहले है, उसके बाद क्या, हेमावती और फिर लक्ष्मण। ठीक है, तो कावेरी नदी की लंबाई कितनी है, तो कावेरी नदी की लंबाई है 805 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है, 805 किलोमीटर। ठीक है, यह कहाँ पर स्थित है, कृष्णराज सागर, तो यह कर्नाटक में स्थित है। अभी मैंने आपको बताया कि यह कर्नाटक में राज्य में स्थित है। यह कब शुरू बनाया गया था बांध, तो यह 1932 में इस बांध का निर्माण किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है। ठीक है, ताजे पानी की डॉल्फिन। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर पहला है आपका गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी है नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी है गंगा, ऑप्शन नंबर डी है साबरमती। ठीक है, तो
गंगा डॉल्फिन तथा सिंधु नदी, डॉल्फिन नदी तथा सिंधु नदी में पाए जाने वाली मीठे पानी की डॉल्फिन की दो प्रजातियां हैं। कौन कौन सी नदी? एक तो गंगा और एक सिंधु है। मगर सबसे पहले किसका नाम आता है? गंगा नदी का, क्योंकि गंगा नदी का ताज़ा पानी मतलब अपने भारत में उसे गंगा को माता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, एक बहुत पवित्र नदी नदी कहा जाता है गंगा को। ठीक है, तो गंगा डॉल्फिन तथा सिंधु नदी है ना, डॉल्फिन गंगा तथा सिंधु नदी में पाए जाने वाली मीठे पानी की एक डॉल्फिन की दो प्रजातियां हैं। मतलब इन दोनों नदियों में क्या आएगा? ताजे पानी की डॉल्फिन है। ठीक है, आगे देखेंगे। यह भारत, बांग्लादेश, नेपाल तथा पाकिस्तान में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पे? गंगा देखो भारत में भी है, ठीक है, भारत। उसके साथ साथ कहाँ पर है? बांग्लादेश और पाकिस्तान। ठीक है, और पाकिस्तान और नेपाल। ठीक है, तो ये भारत, बांग्लादेश, नेपाल तथा पाकिस्तान में ला पाई जाने वाली नदी। ठीक, गंगा नदी डॉल्फिन सभी देशों की नदियों के जल मुख्यतः गंगा नदी में तथा सिंधु नदी डॉल्फिन पाकिस्तान सिंधु नदी के जल में पाए जाते हैं। मतलब जो सभी नदियां हैं ना, इससे सबसे मतलब ज़्यादा जो है वो कहाँ पे डॉल्फिन पाई जाती है? ताजे पानी की डॉल्फिन तो सिर्फ गंगा में सबसे अधिक है, उसके बाद किस में है? सिंधु नदी में। तो हमसे पूछा गया हैगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी आपका, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं। अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? अजमेर का पूछा गया है, अजमेर किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला आपका लूणी, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी तिस्ता, ऑप्शन नंबर डी ब्यास। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अजमेर भारतीय राष्ट्र राजस्थान का एक जिला है। कहाँ का है? भारतीय राज्य जो कहाँ पर है? राजस्थान। ठीक है, एक जिला है। यह अरावली पर्वतमाला के पर्वतीय क्षेत्र में बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? अजमेर। तो यह भारतीय राज्य राजस्थान का एक जिला है। यह अरावली पर्वतमाला के पर्वतीय क्षेत्र में बसा है, जिसके दक्षिण पश्चिम में लूणी नदी व पर्वत हिस्से में बनास की सहायक नदी है। कौन कौन सी है? लूणी नदी। ठीक है, किसकी? अजमेर में। ठीक है, लूणी नदी। तो अब राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अजमेर कहाँ पर है? तो लूणी नदी में है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए। अब इस नदी के बारे में बताऊंगी मैं आपको, तो इस नदी की लंबाई देख लीजिए। इसकी लंबाई है 495 किलोमीटर। ठीक है, किसकी? लूणी नदी की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइजोल निम्नलिखित में से किस नदी तट पर स्थित है? ठीक है, आइजोल। आगे देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर पहला है आपका मेघना, ऑप्शन नंबर बी है आपका तलवंग नदी, ऑप्शन नंबर सी है हांग हो, और ऑप्शन नंबर डी है इरावदी। ठीक है, तो मैं आगे देखेंगे अपन। आइजोल भारत के मिजोरम राज्य की राजधानी है। किसकी राजधानी है? भारत का जो मिजोरम राज्य है उसकी राजधानी क्या है? आइजोल। ठीक है, यह तलावंग नदी घाटी पश्चिम में, ताई तुरियाल नदी घाटी पे पर्व में कहाँ पर स्थित है? यह तलांग नदी पर। ठीक है, तलावंग नदी पर स्थित है। क्या हैगा? आइजोल। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अब इस नदी की लंबाई देख लीजिए, तो इस नदी की लंबाई है 1322 मीटर है। ठीक है, मीटर है, ठीक है, किलोमीटर नहीं है, मीटर है। किसकी है? तलावंग नदी की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान में संगम करती है और फिर सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है? ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपका देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर बी है इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी है हरिद्वार, ऑप्शन नंबर डी है ऋषिकेश। ठीक है, तो भाग अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा की लंबाई कितनी है? तो अलकनंदा की जो लंबाई है वह है 195 किलोमीटर। ठीक है, और भागीरथी की कितनी है? तो भागीरथी की लंबाई है 205 किलोमीटर। ठीक है, अलकनंदा 195 और भागीरथी 205। ठीक है, तो
भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी देव प्रयाग में संगम करती है। कहाँ पर संगम करती है? देव प्रयाग में संगम करती है। यहाँ से यह सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है। किसके नाम से आगे प्रवाहित होती है? पर हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया कि जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है ना? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए कि मतलब यह एक देवप्रयाग में संगम करती है। किसे? देवप्रयाग में संगम करती है। कौन कौन सी? भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है? ठीक है, विघटित आयन के बारे में पूछा है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर पहला है आपका क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी है आपका ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी है आपका पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी है आपका कैल्शियम। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए आप, महासागर के जल के लवण में प्रमुख लवणों की औसत, ठीक है, औसत के बारे में देखेंगे तो मात्रा इस प्रकार पाए। सोडियम कितना पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है 77.6%। ठीक है, उसके बाद आएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। अब यह कितना सबसे ज़्यादा क्या आएगा? सोडियम क्लोराइड जो कितना है 77.6। उसके बाद आएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, यह कितना है 10.88%। ठीक है, सेकेंड पर आ गया। उसके बाद कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट कितना पाया जाता है? तो 3.60% ही पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखोगे आप कि कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है 3.4% और पोटेशियम सल्फेट पाया जाता है 2.46% और मैग्नीशियम ब्रोमाइड पाया जाता है 0.22%। सबसे कम क्या आएगा? सबसे कम है मैग्नीशियम ब्रोमाइड और सबसे ज़्यादा क्या आएगा आपका? सोडियम क्लोराइड जो कितना आएगा 77.6। ठीक है, एक बार रिपीट करूँगी, महासागर के जल में लवण औसत, ठीक है, औसत मात्रा इस प्रकार पाया। सोडियम कितना पाया? सोडियम पाया जाता है 77.6%। मैग्नीशियम पाया जाता है 10.88%। कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है 3.68% और कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है 3.4%। पोटेशियम सल्फेट पाया जाता है 2.46%। मैग्नीशियम ब्रोमाइड पाया जाता है सबसे कम है जो कि 0.22%। ठीक है, कि देख लिया आपने। तो हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो हमने क्या पढ़ाएगा कि क्लोरीन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, हमारी आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है।